प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे किस किस कैटेगरी में और किस सब्जेक्ट में यदि आपके 80 क्वेश्चन राइट हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जो आपकी दोगुना कट ऑफ जारी की गई है, आपने देखा होगा लेवल वन में SST और मैथ साइंस की, ठीक है। तो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट में यदि आपके 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन साथियों बहुत ही आसानी से हो सकता है, जो आपकी एक गुना मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यदि आपके कितने नंबर कम आ रहे हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती प्रक्रिया से अपने आप को बाहर समझ सकते हैं, वो भी इस पर अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथियों एक जानकारी मैं और बताना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि प्रति साल रीट की भर्ती आयोजित होगी। देखो दोस्तों, होगी या नहीं होगी, यदि होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है तो आप अपनी अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मैथ साइंस में। देखो यदि आपकी कैटेगरी ST है तो मेरा ये मानना है यदि आपके 160 नंबर आ रहे हैं या उसके अलावा आपके 155 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपका ST कैटेगरी में चयन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा यदि आप SC से हैं, यदि आपके 83 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका भी चयन है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इंग्लिश में भी यही कैटेगरी है ना, ST और SC वाले, यदि आपके 80 या 80 प्लस क्वेश्चन राइट हैं तो आपका भी दो एक गुना कट ऑफ में चयन है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिंदी को छोड़कर आपकी जो दो गुना कट ऑफ जारी हुई है उसमें से जो फाइनल कट ऑफ जारी होगी तो उसमें मुश्किल से 6-7-8 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। खासकर इंग्लिश और मैथ साइंस में तो मेरा ये मानना है 5 या 6 नंबरों का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, और हिंदी सब्जेक्ट है उसमें ये थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, और SST में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साथियों मैं आपको अगली वीडियो में ये बताने का प्रयास करूँगा कि भाई जर्नल OBC EWS और MBC की कितने नंबर पर दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मैथ साइंस है, उसके अलावा आपका SST है और लेवल 2 है ना, जिन सब्जेक्ट का परिणाम जारी कर दिया गया है उनका मैं यहाँ पर आपको हो सकता है श्याम के वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा।